हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुण। चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, क्लास 10 का है, फिजिकल साइंस का। ये देखिए, मेरे पास जो बुक है वही बुक है, और आई होप सो कि यही बुक चल रहा है आप लोगों के सिलेबस में भी है। और नहीं भी चल रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे इस पीरियोडिक टेबल के जो सिस्टम है, जो वो बदलने वाला तो है नहीं। बुक चाहे कोई भी चले, हमें सिर्फ उससे जो हमारा जो सिलेबस में है, हमें उससे उसका ज्ञान लेना है, हमें उसके बारे में सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तत्वों के गुणों के आवर्त सारणी और एवं आवर्तता, जो टॉपिक है उसके अनुसार आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि जो आवर्त सारणी यानी कि जो पीरियोडिक टेबल क्यों आया और कैसे उसकी भूमिका क्या थी, उसके लाने के पीछे का कारण क्या था। तो हम लोग क्या जानते हैं कि करीब 1800 ईस्वी में, 1801 कहिए या फिर उसमें, तो उस समय जो करीब करीब 31 जो एलिमेंट्स थे उनका डिस्कवर हो चुका था, उनका ज्ञान हो चुका था, उतने सारे एलिमेंट्स का, उतने सारे तत्वों का ज्ञान हो चुका था। लेकिन उसके बाद के जो फिर ईयर में, आने वाले ईयर में, अबाउट अबाउट 1865 में जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे, अबाउट 63 एलिमेंट्स की जान पहचान हो चुकी थी, उनके बारे में आइडेंटिफाइड कर लिया गया था। तो उन सारे एलिमेंट्स को एक ऐसे तत्व, एक ऐसे सारणी में रखा जाए ताकि उनके बारे में जब भी हम किसी एक एलिमेंट के बारे में जाने तो उसके साथ साथ उसके बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उसके बारे में हम लोग अच्छे से उनका ज्ञान हो सके। इस तरह की चीज़ों को एक बद्ध, एक क्रमबद्ध रखने के लिए आवर्त सारणी की खोज की गई, आवर्त सारणी बनाई गई। तो आवर्त सारणी की जो भूमिका, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। वो इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे जो एलिमेंट्स जिनके खोज हो चुका था उनके वर्गीकरण के आधार पर एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए उन एलिमेंट्स के, उन तत्वों के को उनकी आवर्तता के लिए, उनके आवर्त गुणों के लिए, उनके अध्ययन के लिए उनका वर्गीकरण किया गया और उसी आधार पर आवर्त सारणी की रचना की गई, बनाया गया। ठीक है, एक ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, और पीरियोडिक टेबल इस वीडियो में कि पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहले किन किन साइंटिस्ट ने ले आए और कैसे कैसे उन्होंने अपने अपने खोज के अनुसार कैसे कैसे उनको आवर्तता प्रदान की, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रही हूँ, साथ साथ में हिंदी में भी लिखते जा रही हूँ। आई होप सो कि हिंदी में भी ना लिखूँ तो हिंदी में मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं कि अ टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को सजाने के लिए, रासायनिक तत्वों को, सो दैट द एलिमेंट्स विद द सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर अपियर इन अ वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम में वो एक सिमिलर उनका जो स्ट्रक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में वो लोग आते जाएंगे। तो आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताएं, जो उनके साथ जो मिलने वाली जो विशेषताएं हैं, एक सारणी के रूप में दर्शाने की ही एक व्यवस्था है, उसी को ही आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले ले आए वो थे हमारे, इनके आधार पर आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलता है, वो थे मेंडलीफ ने। मेंडलीफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया कितने ईस्वी में, अबाउट 1869 में उन्होंने बताया कि उनके आधार पर ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रचना की गई। लेकिन उससे पहले जो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बताया, जैसे कि डोवेरेनर का जो ट्रायड था, उसके बाद थे न्यूलैंड का अष्टक नियम था, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके पहले बताए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि उनका हिस्ट्री क्या था, वो किस आधार पर पीरियोडिक टेबल को ले आए, ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, डोवरेनर साइंटिस्ट जो थे उनका जो ट्रायड जो नियम था, यानी कि जिसको तिर्यक नियम भी कहा जाता है, तिर्यक का नियम भी किया जाता है, वो 1817 में डोवरेनर ने अपने तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया और बताया हमें कि उसके अनुसार समान गुण और समान परमाणु भार वाले, यानी जिनके समान गुण और परमाणु भार होते हैं,
समान वाले वो तत्व 3 दिन के समूह में रखे गए, उनको 3 दिन ट्रायड में रखा गया और जिसे त्रियक नियम के नाम से जाना गया। उनके अनुसार क्या था कि जो प्रथम यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट था और जो तृतीय यानी कि जो थर्ड एलिमेंट था वो उनका जो औसत होगा वो मध्य वाले यानी कि मिडिल वाले जो एलिमेंट के तत्वों के परमाणु भार के बराबर होगा। ठीक है, तो डॉब्रेनर के जो ट्रायड नियम के अनुसार हमें क्या मिला कि एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर अरेंज्ड ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड। ट्रायड किसको कहा जाता है, एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज हो उनको इस तरह से अरेंज किया गया 3 एलिमेंट्स को जिनका सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड, वो सिर्फ 3 ट्रायड यानी 3 ट्रायड के बारे में ही, 3 त्रियक के बारे में उन्होंने बताया फ्रॉम द एलिमेंट्स उस समय जो जो जाने जाते थे, जो उस समय जो एलिमेंट की खोज हुई थी उसके आधार पर उन्होंने 3 ट्रायड के बारे में ही ये जो रूल था त्रियक नियम था वो उस पर लागू होता था, बाकी जितने जो एलिमेंट्स थे उन पर ये लागू नहीं होता था, इसीलिए इसको बाद में इसको रद्द कर दी गई, इसको नहीं से फिर से बनाया गया। इनकी जब हम खोज करने की जो शुरुआत हुई है उसमें यदि आप खोज करते जाएंगे तो आपकी कमियां भी निकलते जाएंगे और उससे क्या होगा कि आगे का प्रोसीजर भी शुरू होते जाएगा। तो जो डॉब्रेनर ने जो ट्रायड नियम निकाला उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स 3 त्रियक के बारे में ही ये नियम लागू हो पाता था। तो अकॉर्डिंग टू डॉब्रेनर के अनुसार क्या था कि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन, यानी कि जो एवरेज था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के, जो मिडिल वाला जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा। यानी कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, आपके बुक में भी है, ये जो लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है जिसका एटॉमिक भार, सॉरी एटॉमिक भार कह सकते हैं 7 है, इसका 23 है और इसका 39 है। ठीक है, तो जो मिडिल वाला जो आएगा वो कहाँ से आएगा, ये फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट वाला, इन दोनों को जोड़ के और जो हम लोग निकालते हैं ना औसत, उसके अकॉर्डिंग ये 23 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का किया, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरिलियम का किया, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के किया, लेकिन बाद में ये सिर्फ 3 ही के लिए लागू हो पाता था, इसीलिए इस नियम का खंडन हो गया, यानी रिजेक्शन ऑफ डॉब्रेनर थ्योरी के अनुसार क्या हुआ कि त्रियक का सिद्धांत केवल कुछ ही तत्वों तक ही सीमित था और बाद में उनके कुछ तत्वों का परमाणु भार प्राय एक ही था, तो इस सिद्धांत के अनुसार कुछ असमान गुण वाले, यहाँ सिमिलर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, असमान गुण वाले जो तत्व थे वो एक ही समूह में आ जाते थे, इसीलिए डॉब्रेनर का जो सिद्धांत था ट्रायड नियम था वो बाद में इसका रिजेक्शन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आए हमारे न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। वो क्या कहता है, न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि 1864 में न्यूलैंड ने, अंग्रेज जो वैज्ञानिक थे एआर न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण, उनके वर्गीकरण के आधार पर और अनुसंधानों पर पाया कि जो संगीत का जो 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर लास्ट में आता है सा। ठीक है, तो ये जो 7 जो सुर होते हैं इन 7 सुरों के आधार पर तत्वों के परमाणु भार यानी कि जो उनका एटॉमिक मास के क्रम में सजाने पर जो प्रत्येक का जो 8वां जो गुण होगा यानी जो फर्स्ट वाला जो गुण होगा वो किससे मैच करेगा, वो 8वें गुण से यानी 8वें वाले तत्वों से मैच करेगा, इसीलिए इस नियम को उन्होंने ऑक्टेव नियम या अष्टक का नियम कहा गया। न्यूलैंड के अष्टक नियम से हमें क्या मिला कि एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस सच दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट वॉज द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो फर्स्ट जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो किससे मैच करेगा, वो 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको यहाँ देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कितना है, सा रे गा मा पा धानी। अब उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम। ठीक है, तो ये जो सोडियम के साथ फिर किसका मैच हुआ, फिर आता है फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, ये सब आता है, तो उसके अनुसार जो होगा वो 7वां जो मैच करेगा यानी कि जो फर्स्ट वाला जो मैच करेगा वो लास्ट के 8th वाले प्रॉपर्टी से मैच करेगा उनके नियम के अनुसार।
लेकिन ये जब ये सिर्फ और सिर्फ ये नियम कहाँ लागू हुआ, ये जब अधिक भार वाले जो परमाणु आए, अधिक भार वाले, ये तो लाइटर एनिमल के एलिमेंट्स के लिए था जिनका परमाणु भार कम था, मीन्स जिनका एटॉमिक मास कम था, परमाणु भार वाले कम, जिनकी अधिक परमाणु भार वाले जो उस समय खोज भी नहीं हुई थी। और ये जब नियम जब फिर से अधिक परमाणु भार जब खोज होने लगा तत्वों का, तो वहां पर ये सत्यता इसकी परख नहीं हो पाई, मिस इसको ये किया गया, खारिज कर दिया गया इनका, इनके प्रॉपर्टीज, इनके लॉ को हटा दिया गया। वो इसलिए कि जब निष्क्रिय गैसों का पता चला, जब निष्क्रिय गैस का पता, उस समय निष्क्रिय गैस का पता नहीं चला था, जब निष्क्रिय गैस का पता चला तो हमें पता चला क्या, जो आठवां नहीं बल्कि नौवां तत्व किससे मैच करता है, प्रथम तत्व से समानता रखता है। जो नौवां तत्व, यानी कि देखिए जब वो निष्क्रिय गैस क्या करते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके फिर पॉजिटिव वो अपना ऑक्टेव पूरा कर लेते हैं, उसी तरह से सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव अपना एक ऑक्टेव ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो वो क्या मैच हुआ, जब हेलोजन के साथ ये मैच होने लगा, ठीक है, हेलोजन में उनका गुण क्या है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, और सोडियम भी अपना एक ऑक्टेट अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, क्योंकि क्या है ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम। तो जो फर्स्ट वाला जो था वो किससे मैच होने लगा, हेलोजन से मैच होने लगा। उस समय हेलोजन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब इनके लॉ के आने के बाद हेलोजन की खोज हुई तो इस नियम को हटा दिया गया, इस नियम को सत्यता नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रेडिक्टेबल के संबंध में लोथर मेयर, उसके बाद आए लोथर मेयर, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर जो उनका जो उन्होंने कर्व की रचना की, उस समय जब 1869 में दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, हमारे मेंडली साहब भी काम कर रहे थे, मीन्स मेंडली भी काम कर रहे थे उसी इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर, और लूथर मेयर जो साइंटिस्ट थे वो भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया, लूथर मेयर के आवर्त सारणी के अनुसार हमें मिला, उनका सिद्धांत के अनुसार हमें मिला कि 1869 में तत्वों के वर्गीकरण उनके परमाणु भार एवं परमाणविक आयतन, मीन्स एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर किया, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर किया। और उन्होंने यह वर्गीकरण क्या किया, परमाणविक आयतन वक्रता, यानी कि एक कर्व की रचना की, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के आधार पर किया। इसके अनुसार क्या हुआ कि परमाणु भार को उसके घनत्व से विभाजित किया जाए, परमाणु भार को किससे विभाजित किया गया, एटॉमिक वॉल्यूम को डिवाइड किया गया एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय किससे, डेंसिटी से, ठीक है, तो हमें एटॉमिक वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। उनके अनुसार यदि परमाणु भार को उसके घनत्व से विभाजित किया जाए तो हमें एटॉमिक वॉल्यूम यानी परमाणविक आयतन की प्राप्ति होगी। उन्होंने तत्व के परमाणविक आयतन और उसके परमाणिक भार के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया, एक ग्राफ खींचा, ठीक है, एक कर्व, एक वक्र प्राप्त हुआ जिसे परमाणविक आयतन ग्राफ यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो जो यह जो इस ग्राफ के अनुसार जो एक समान गुण वाले एक ही साथ दिखाई देते हैं, यानी कि जो एक समान गुण वाले एक ही साथ दिखाई देते हैं, जैसे कि क्षारीय धातु हुआ, क्षारीय धातु यानी कि अल्कली मेटल्स हुआ, अल्कली मेटल कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है, ये सब अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं। तो जो इनका और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो मिडिल भाग में आए, ये सबसे शीर्ष में आए, यानी कि सबसे ऊपरी हिस्से में आए, ग्राफ के एकदम पिक पे आए। और उसके बाद वाले जो आए अल्कलाइन अर्थ मेटल मिडिल में आया। उसके बाद हेलोजन तत्व ऊपर जाने वाली लूप में, यानी कि असेंडिंग लूप के मध्य में आती दिखाई दी, इस कर्व के अकॉर्डिंग, मैं भी कर्व आपको दिखाऊंगी। इस प्रकार उन्होंने तत्वों के घनत्व यानी कि उनके एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार एक ग्राफ को प्लॉट किया, एक ग्राफ को ग्राफ की रचना की, ठीक है। तो ये 1869 में इन्होंने भी कर्व की रचना की, और 1869 में मेंडलीव साहब ने भी हमारे एक पीरियोडिक टेबल को दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑब्जर्व्ड ए रिपीटेड पैटर्न, एक रिपीटेड पैटर्न अपने ग्राफ में उन्होंने पाया।
उन्होंने पाया कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सच है जैसे कि अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम एलिमेंट जो क्या है एकदम करके पीक पे दिखाई दिए, ठीक है। और एटॉमिक वॉल्यूम किस तरह से प्राप्त होगा, एटॉमिक वेट वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाएगा तो एटॉमिक वॉल्यूम प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कर्व की रचना की। आप लोगों को पता ही होगा कि अल्कली मेटल्स किसको कहा जाता है, तो अल्कली मेटल्स उनको कहा जाता है, अल्कली मेटल्स आर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तुरंत से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं, और दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। जो कि अल्कलीज बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इनको अल्कली मेटल नाम दिया गया है। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, वो इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं, यानी कि बेस बनाते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल किसको कहा जाता है, अल्कली अर्थ मेटल इनको कहा जाता है जैसे कि अल्कली अर्थ मेटल में आया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये सब अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। ये इन सब मेटल से, यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनसे थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं और दे आर हार्डर होते हैं और लेस रिएक्टिव देन द अल्कली मेटल्स, ठीक है। इसलिए इनको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, ठीक है। आगे चल के आपको पीरियोडिक टेबल में नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको नाम याद होते जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगता है, बाद में ये ठीक हो जाता है। तो एक कर्व देख लेते हैं कि इनके कर्व के अनुसार क्या होगा हुआ। तो इस ग्राफ में आप लोग को दिख रहा है ये एटॉमिक वॉल्यूम है और ये एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने। तो जो पीक वाला जो एलिमेंट था जैसे कि अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो था, ठीक है, ये सब सबसे पीक पे नजर आए, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े अल्कली अर्थ मेटल्स थे वो सब क्या हुए, वो सब उसके नीचे आए, और जो अल्कली अर्थ मेटल्स है उससे डिसेंडिंग, उससे नीचे आए डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हेलोजन्स थे जो कि असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ये आयोडीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये सब असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व में आए, ठीक है। उसके बाद जो मेटलॉइड्स और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स थे वो बॉटम में, वो कर्व के बॉटम में दिखाई दिए। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग, ये कर्व जो बना उसके अकॉर्डिंग सिर्फ क्या हुआ कि इस ये जो लॉ था ये भी पूरी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो बाद में इसको भी और उसके साथ साथ मेंडलिम ने भी जो लॉ लाया उसके अकॉर्डिंग भी दोनों लॉ को देखा गया तो बेटर देन मेंडलिम का लॉ लगा, इसीलिए मेंडलिम के लॉ को आगे बहुत दिनों तक चलाया गया। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलिम के ही लॉ को ही फिर से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में फिर से बनाया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मेंडलिम की आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडिफाइड मेंडलिम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले मेंडलिम देखेंगे और उसके बाद मेंडलिम के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी, ओके। तब तक देखते रहिए हमारे इस चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ओके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।